नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। सिर्फ 51 दिन शेष हैं जबकि आपका एग्जाम शेड्यूल्ड है। इसी कड़ी में शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट में हम रोजाना आपको डेली एमसीक्यू का डोज दे रहे हैं, जहां पे मैथ्स के अपन टॉप 25 क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं। पहला क्वेश्चन आज का ज्योमेट्री से है। दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो दिख रहा है ना शेडेड रीजन, इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल आपको निकालना है। ये कैसे निकाला जा सकता है? सर, पहले बड़ा वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है इसका एरिया निकाल लेते हैं। इस एरिया में ये वाला एरिया यदि हमने माइनस कर दिया तो ये वाला एरिया निकल आएगा पूरा का पूरा। बस बात ये है कि ये एरिया निकालना कैसे है, कैसे ये एरिया निकाला जा सकता है। तो देखो, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हम जानते हैं सर, 1/2, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, 1/2 बेस इनटू हाइट। 1/2 बेस मतलब आधार, आधार कितना है 48 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है AB। ये कैसे निकाला जाएगा? देखो, हम जानते हैं ट्रिपलेट, आपको याद होगा ट्रिपलेट, 4 से कटा लिया, 4 एकम 4, 4 दुना 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12। आप क्या रेशियो जानते हैं? सर, 1 12 है, ये 13 है, तो ये क्या हो जाता है? 5। 5 12 13 जानते हैं हम ट्रिपलेट। और ये क्या है? 12 का कितना गुना है? 12 का कितना गुना है? ये 12 दुना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। ये 13 का कितना गुना है? 13 चौक 52। तो ये कितना गुना होगा? 5 का 4 गुना, 5 चौक कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो इसका एरिया कितना आ गया? इतना इसका बड़ा वाले का एरिया आ गया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। यदि नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर क्या हो जाता है? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग हो जाता है। तो वहां से ये निकाल लेंगे हाइट। चलो अब अपन क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं। ये ट्रायंगल, इसका बेस ये है, हाइट ये है, तो कितना घटाना है? 1/2 12 × 16, ये एरिया निकाल लिया, इसको घटा दिया। इस त्रिभुज का एरिया कितना? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, क्यों? 90 डिग्री दिख रहा है। तो सर यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये आ गया 10 बार और ये 8 बार, 480 माइनस 12, 96, 80 चला गया, 16 और घटा दिया तो कितना आ गया? 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या कहता है? अच्छा, ये भी ना 2D से ही दिया गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इसमें भी निकालना है। छायांकित भाग जो है उसका क्षेत्रफल निकालना है, कैसे निकाला जा सकता है? देखिए, दिए गए चित्र में 2 वर्ग हैं, एक वर्ग ये है, एक वर्ग ये है, इनकी भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, ये 8 और यहाँ से लेके यहाँ तक 20, चलो ठीक है, ये भी 8 होगा क्योंकि ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ठीक है पूरा, क्योंकि वर्ग है, स्क्वायर है, ये 20 है तो ये भी 20 होगा। अब देखो, हमको ये वाले फिगर में, इस फिगर में ये फिगर कुछ ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा, ऐसा 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 और ऐसा। इस फिगर में ये क्या है? 8 है और यहाँ से लेके पूरा का पूरा कितना है? 28 और ये कितना है? 20। हम क्या जानते हैं सर? ये एंगल हो गया। इसी भुजा पे एक त्रिभुज ऐसा है, एक त्रिभुज ऐसा है, ये सिमिलर ट्रायंगल नहीं हो गए?
सिमिलर ट्रायंगल नहीं होगा, समरूप। और समरूपता के आधार पे अपन क्या जानते हैं, मान लेते हैं ये दिया है ए बी सी डी, ये दिया है बी ई एफ जी, तो ये क्या हो गया ए बी ई, ए बी ई एफ। चलो अब देखो, और ये है मान लो जी एच, ये है एच, तो ये क्या हो जाएगा एच। अब देखो ध्यान से, हम क्या जानते हैं ए बी जब दो कॉन्ग्रू सिमिलर हो, ट्रायंगल समरूप हो, तो ए बी अपॉन ए ई टोटल, यहाँ से ये वाला लिया और ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल समरूप है ना, तो इसकी जो भुजा है बड़े वाले भुजा से रेशियो जो होगा वो बराबर होगा किसका, एच बी और एफ ई का, छोटे वाले का बड़े वाले से ले रहे हैं तो छोटे वाले का बड़े वाले से लेना है। एफ क्या है, एच बी, एच बी, एच बी अपॉन एफ ई। देखो ये छोटे वाला छोटा त्रिभुज है ना, ये छोटे त्रिभुज की भुजा लिया, फिर बड़े त्रिभुज की भुजा लिया, छोटा बड़ा छोटा बड़ा। चलो ये क्या है रिजल्ट होता है, तो ए बी हम क्या जानते हैं 8 रेशियो, ए ई, ए से ई कितना दिया है 28 दिया है, इज इक्वल टू एच बी कितना आ जाएगा एच बी, एफ ई कितना है एफ ई जब 20 है तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 4 × 8 4 × 7 = 28, एच बी की वैल्यू कितनी आ गई 20 × 40/7। ये निकालना क्यों है, ये देखो ध्यान दो, ये वाला एरिया निकालना है ना, तो हमको तो ये पता है ये वर्ग है मतलब 90 डिग्री, ये 8 इस को निकाल लिया होता तो निकल आया होता हमारा एरिया, इसीलिए निकाला एच बी को, एच बी कितना आ गया 40/7, तो क्या आ गया एरिया 1/2 × बेस, बेस कितना आधार कितना 8, हाइट कितनी 40/7, कितना आ गया 2 से कैलकुलेट किया 4 × 16 160/7, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कैसे निकाला, कॉन्ग सिमिलैरिटी से, दो त्रिभुज सिमिलर हैं समरूप हैं, इस प्रॉपर्टी से निकाला, क्या होते हैं उनके साइड का रेशियो, साइड मतलब भुजा का अनुपात बाकी भुजा के अनुपात के बराबर होगा, हमको ये निकालना था ना एच बी, तो इसलिए एच बी अपॉन एफ ई कर लिया। चलिए उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक ठोस गोलाकार त्रिभुज, ठोस गोलाकार सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई इतनी है और आयतन इतना है, तो सिलेंडर का कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, कुल सतह का क्षेत्रफल सिलेंडर का हो जाता है 2πRH+R, ये कुल सतह का क्षेत्रफल है, ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई, ये निकालना है। इसके लिए हमको जरूरत है H की, R की, H और R की जरूरत है, वो कहाँ से निकालेंगे, ये जो दिया गया है रेडियस और हाइट का जो रेशियो है वो 2:3 है, तो रेडियस और हाइट कितनी आ जाएंगी 2x और 3x साइमल्टेनियसली। अब देखो क्या बोलता है, आयतन कितना है 1617, हम जानते हैं आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1617 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 2x, तो R स्क्वायर 2×4x², H की वैल्यू कितनी है 3x,
इज इक्वल टू 1617 सेंटीमीटर क्यूब। सर 11 दुना 22, 11 एकम 11, 5 बचा 11 चौक 44, 6 और 1 7, 11 सत्ते 77। ठीक है सर, और क्या, किससे काट लें, 3 से काट लें, 3 चौक 12, 3 निया 27। ठीक है सर, x क्यूब इज इक्वल टू क्या आया, 49 इंटू 7 अपॉन 4 दुना 8। x की वैल्यू क्या आएगी, क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, 49 गुणित 3 कितना हो गया, 343 बटे 8 इज इक्वल टू, ये कितना आया, 7 बटे 2 बराबर 3.5। अगर x की वैल्यू 3.5 हो गई तो रेडियस कितना आ जाएगा, 35 दुना 70 मतलब 7 सेंटीमीटर, और 35 तिया कितना, 105 मतलब 10.5 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई, R इतना आया, H इतना आया, यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू, क्योंकि हमको क्षेत्रफल, कुल सतह का क्षेत्रफल निकालना है, 2 गुणित 22 बटे 7 गुणित R कितना, R है 7 सेंटीमीटर, इंटू H प्लस R कितना, 10 7 17.5। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 17 दुना 34 और 1 35, 35 दुना 70, 35 दुना 70 और 7 77, आंसर कितना आ गया, 770 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर है। आपको कुछ नहीं करना था, हमने ये फॉर्म, ये निकालना है क्योंकि कुल सतह का क्षेत्रफल बोला है, तो ये फॉर्मूला होता है, कुल सतह का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये है। इसको निकालने के लिए हमको चाहिए H और R की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया, कहाँ से, जहाँ पे आयतन दिया गया है वहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या है, दो घोड़े 1920 रुपए के प्रत्येक बेचे जाते हैं, मतलब दो घोड़े हैं, फिर सेम एसपी का कंसेप्ट है, दो घोड़े हैं बेचे जा रहे हैं कितने रुपए में, 1920 में और 1920 में, 1920 में बेचे जा रहे हैं, मतलब एसपी क्या है, दोनों का सेम है। यदि पहले को बेचने पर 20% की हानि, 20% के लॉस में बेचा है पहले को, दूसरे को 20% के प्रॉफिट में बेचा है, तो कहता है कुल कितने रुपए का लाभ हुआ या फिर हानि हुई, ये कहना चाह रहा है। तो चलो देखते हैं भाई कैसे निकाला जाएगा। सर 20% की वैल्यू होती है 1/5, जब लॉस में बेचेगा तो पहले वाले को बेच रहा है मानते हैं, और ये क्या है सीपी और ये क्या है एसपी, 5 में 1 की कमी क्योंकि लॉस में बेचा है तो 4 में बेचा होगा। ठीक है, अब जब दूसरे को बेच रहा है तो प्रॉफिट में बेच दिया, वही 5 में 1 का प्रॉफिट क्योंकि दूसरा भी कितना परसेंट है, 20%, और 20% की वैल्यू 1/5, तो 5 में 1 का लॉस और 5 में 1 का प्रॉफिट, दूसरे में 5 में 1 का प्रॉफिट कितने में बेचा, 6 में बेचा होगा। ठीक बात है, बहुत बढ़िया, लेकिन ये बात बताओ एसपी क्या है दोनों का, एसपी तो सेम है, समान है, इक्वल है, यहाँ इक्वल है क्या, नहीं, तो इक्वल करना है ना, तो क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो 6 और 4 को बराबर करना है तो 12 बना लेते हैं, तो 12 बनाने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा, 4 तिया 12, 6 दुना 12, 12 ही क्यों बनाएं, क्योंकि 6 और 4 का एलसीएम क्या होता है 12, तो एलसीएम बना लेते हैं, दोनों को बराबर कर लिया। ठीक बात है, तो कितना आ गया सीपी और एसपी, नया सीपी और एसपी कितना आ गया भाई, 5 तिया 15, 4 तिया 12, ये कितना आया, 5 दुना 10, 6 दुना 12। अब एक चीज़ हमको ये बताओ,
एसपी सेम नहीं हो गया, एसपी तो सेम हो गया, कितना यूनिट हो गया 12 यूनिट। अब ये बताओ एसपी दिया कितना है, 1920, एक का एसपी 12 यूनिट है और एक का एसपी 1920, मतलब 12 यूनिट की वैल्यू 1920, एक यूनिट की वैल्यू 12, एकम 12, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, कितना 160। अब वो कहता है कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुई, तो देखो खरीदा था इसको 15 यूनिट में, कितने यूनिट में 15 यूनिट में, इसको कितने में खरीदा था 10 यूनिट में, टोटल कितने का खरीद लिया 25 यूनिट, 12 दुना 24 कितने में बेचा है 24 में, कितने में बेचा है 24 में, कितने का लॉस हो गया ये बताओ, हमको इसकी ज़रूरत थी नहीं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। देखो कितने का लॉस हो गया, एक यूनिट का लॉस हुआ है, रुपए में नहीं पूछा क्योंकि ना कि कितने रुपए का लॉस हुआ, कितने रुपए का बोलता तो 160 रुपए बोलते, क्योंकि 25 यूनिट में खरीद के 24 यूनिट में बेच दिया, लॉस कितने का, एक यूनिट का, तो रुपए में नहीं पूछा, परसेंट में पूछा है, तो परसेंट निकाल लेते हैं, कितने यूनिट का लॉस हुआ है एक का, कहाँ से 25 से, इंटू 100%, कितना आया 25 चौक 100, कितना परसेंट लॉस हो रहा है 4% का लॉस है भाई, 4% का लॉस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 500 रुपए की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है तथा एक अन्य धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। चलो देखते हैं, ये P1 है और ये P2 है, कितना है P1 500 रुपए और ये कितना है P नहीं पता कितना रुपए, ठीक है, कितने परसेंट की ब्याज की दर से, एक ठोक है 12%, 500 वाली 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दूसरा कितना है 10% है, टाइम क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम क्या है भाई, दोनों 4 साल के लिए है, ठीक है। यदि 4 साल बाद दोनों धनराशियों पर प्राप्त कुल ब्याज, कुल टोटल ब्याज 480 रुपए है, तो इस पे कितना मिला, 12 चौक 48, 500 का 48%, ऐसा ही कितना आएगा, 500 का 12 चौक 48, 500 गुणित 48% ये कर लो ना 240 रुपए, 240 रुपए सिर्फ इस पे ब्याज लग गया, कितने रुपए का ब्याज मिला है 480 का, तो 240 इस पे नहीं मिला होगा, इस मूलधन पे भी 240 मिला होगा, जब उस पे 240 मिला होगा तो ब्याज कितना मिल रहा है 240, कितने रुपए पे पी पे, इनटू ब्याज की दर कितनी है 10%, इनटू टाइम कितना है 4 साल, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 छंग 24, पी की वैल्यू कितनी आ गई 10, उधर ट्रांसफ़र हुआ 600 रुपये, कितने रुपए वैल्यू आई 600 रुपये पी की वैल्यू है। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आई होगी, ये क्या लगाया है साधारण ब्याज SI इज इक्वल टू PRT/100, पी का पी, आर 10%, टी का टी, ये 240 आया कहाँ से, दोनों को मिला के है 480, इसका अकेले का आ गया ब्याज कितना है 240, 480 में 240 घटाया कितना आ गया 240, मतलब इस पे ब्याज 240 लगा है, पी निकाल लिया बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे भाई, एक स्कूल में छात्रों की संख्या में हर एकांतर वर्ष में क्रमशः 10% की वृद्धि और कमी हो जा रही है, मतलब क्या है, जैसे ये आज साल है, कौन सा साल है 2000, ये 2000 है, इसमें आज के साल में 10% की मान लेते हैं वृद्धि हुई है, तो जब एकांतर मतलब क्या होता है,
एक के अंतर में। तो ये एक साल बाद क्या हो जाएगा, 2000 है ना, तो ये कितना साल हो जाएगा 2001। इसमें अब 10% की कमी हो जाएगी। फिर 2002 में क्या हो जाएगा, फिर 10% की वृद्धि हो जाएगी। फिर 2003 में क्या हो जाएगा, फिर 10% की कमी हो जाएगी। तो ये एकांतर वर्ष में वृद्धि हो रही है, ये कहता है वृद्धि और कमी। वर्ष 2000 में वृद्धि हुई तो 2003 में 2000 की तुलना में छात्रों की संख्या कितनी हो गई, देखो ध्यान दो। कहां 2000 में वृद्धि हुई, तो 2000 है, 2000 से 2001 गए ना, तो क्या हुआ, वृद्धि हो गई, कितने परसेंट की, 10% की। फिर 2000 से 2002 में आए ना, तो कमी हो गई 10% की। फिर 2000 से 2003 में आए ना, फिर वृद्धि हो गई, कितने परसेंट की, 10% की। तो अब वो कहता है कि कितनी वृद्धि हुई है, टोटल कितनी वृद्धि हुई है, ये कहता है। तो चलो देखते हैं। सर पहले साल 10% की वृद्धि, मतलब 10 से 11 क्यों, 10% की वैल्यू कितनी आती है, 1/10, 1/10, क्योंकि वृद्धि हो रही है तो 10 से 1 वृद्धि हो जा रही है तो 11। अगले साल कमी हो गई ना, तो 10 में 1 की कमी हो गई, कितनी आ गई, 9। फिर अगले साल क्या हो गया, वृद्धि हो गई ना, तो 10 से क्या हो गया, 11 हो गया। 3 साल का बोला है तो टोटल कितना अनुपात, 11 11 121, और 9 से गुणा कर लिया, 9 1 9 9 2 18, 9 1 9 और 1 10। देखो यहाँ से कितने की वृद्धि ही तो हो रही है, 8.9% की वृद्धि नहीं हो रही सर, 1000 से 89 1089 हो गया ना, कैसे आया ये दिखा दे रहे हैं, 1000 से 1089 हो गया, कितने की वृद्धि, 89 की, कहाँ से, 1000 से, इनटू 100%, 00 से 00 कैंसल, 89/10 मतलब 8.9% की इंक्रीज है, इंक्रीज्ड बाय 8.9%। चलो देखो, 2000 से 2001 10% वृद्धि, 1 से 2 कमी, 2 से 3 वृद्धि फिर से। चलो तो 2003 में 2000 की तुलना में कितने प्रतिशत की, कितने छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, ये बात है। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, और कैसे कर सकते थे, सक्सेसिव को तो हमने बताया है ना कैसे करते हैं। देखो मान लेते हैं संख्या कितनी है, 100, 10% की वृद्धि हो गई तो 100 से कितनी हो गई, 110, या 10 से कितनी हो गई, 11। देखो 10% तो 100 से 10 बढ़ गई, 100 से 10 बढ़ गई तो कितनी हो गई, 110। ये 0 0 नहीं कट जाएगा, तो क्या आया, 11/10, तो 11/10। या फिर इसी को क्या लिख सकते हो, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना, 1/10। वृद्धि बोल रहा है ना, तो ऊपर वाले को जोड़ दो, 10 से 1 ज़्यादा 10 से 1 ज़्यादा, तो 11। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या हो रही है, 10% कमी, 10% कमी बोल रहा है ना, तो 10 में 1 की कमी तो कितनी हो जाएगी, 10 में 1 की कमी तो 10 से 9 नहीं हो जाएगा, आप ही बताओ। फिर अगले साल क्या हो रहा है, फिर 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि मतलब 10 में 1 जुड़ जाएगा, 10 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 11। 00 से 00 कैंसिल, 11 11 121 121 नियाँ 1089/10 कितनी हो गई जनसंख्या, 108.9। पहले कितनी थी, पहले कितनी थी, पहले थी 100, अब हो गई 108.9। कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है,
8.9, क्योंकि 100 में जितना चेंज है वो परसेंट में हो जाता है, 100 में कितना चेंज 8.9 का, तो वही परसेंट में है 8.9 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य क्रमशः 21 और 84 है। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 21 एंड 84। यदि दो संख्याओं का अनुपात इतना है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, ये संख्याएं हैं, इनका अनुपात है 1:4। हम क्या जानते हैं, अनुपात दिया है ना, तो संख्या क्या निकलती है। देखो ध्यान से, जब भी रेशियो दिया हो किसका, संख्याओं का, तो संख्या निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, ये संख्या के रेशियो में एचसीएफ गुणा कर दो। एचसीएफ कितना है 21, एचसीएफ कितना है 21, तो कितनी आ गई संख्याएं, पहली संख्या 21 एकम 21, दूसरी संख्या 21 चौक 84। चलो ये उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। तो वो कहता है यदि दोनों संख्याओं का अनुपात इतना है, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है, 84 है। आंसर कितना आएगा, 84 इसका राइट आंसर है भाई। चलो देखो दूसरे तरीके से देखा जाए, डायरेक्ट यदि ऑप्शन में जाए ना, अपन डायरेक्ट ऑप्शन में जाए, हम नहीं बना रहे ये क्वेश्चन, हम डायरेक्ट देख रहे हैं, एलसीएम 84 है तो एलसीएम से संख्या कभी भी बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि इस संख्या का एलसीएम इससे छोटा कैसे आएगा, 108 का एलसीएम 108 से छोटा नहीं हो सकता, और एलसीएम जब 84 है तो संख्या उससे छोटी ही होगी, 108 नहीं हो सकता। देखो दूसरी बात, एचसीएफ कितना है 21, तो संख्या एचसीएफ से छोटी नहीं हो सकती, 12 कभी भी नहीं हो सकती, संख्या एलसीएम से ना बड़ी होगी ना एचसीएफ से छोटी होगी, तो 12 से छोटा 12 तो आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन कौन कौन से आ सकते हैं, 21 और 48 और कौन सा 84। 21 का गुणा करेंगे ना कभी भी 48 नहीं आएगा, या फिर 48 का एलसीएम कभी भी 84 नहीं हो सकता, तो ये आंसर भी नहीं होगा। तीन आंसर नहीं हो सकते, एक ही आंसर होगा, कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। बिना बनाए आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते थे और आंसर मार्क कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन पहिए एक मिनट में इतने चक्कर लगाते हैं, चलिए देखते हैं, 20 चक्कर कितने मिनट में लगा रहे हैं, एक मिनट में, पहला पहिया, दूसरा पहिया लगा रहा है 30 चक्कर कितने मिनट में, फिर एक मिनट में, यही तो कहता है ना, एक मिनट में 20 चक्कर 30 चक्कर और 40 चक्कर। तीसरा पहिया जो है 40 चक्कर लगा लेता है कितने मिनट में, एक मिनट में। अब हमको ये बताओ, ये 20 चक्कर एक मिनट में, 30 चक्कर एक मिनट में, और इतना चक्कर इतने मिनट में लगा रहे हैं, तो एक चक्कर की बात क्या है, एक चक्कर कितने देर में लगा रहे होंगे, एक चक्कर लगा रहे होंगे सर 20 को इधर ट्रांसफर करो 1/20 मिनट में, सर 30 चक्कर कितने देर, एक चक्कर कितने में लगा रहे होंगे, जब 30 चक्कर एक मिनट में तो एक चक्कर 1/30 मिनट में, 40 चक्कर एक मिनट में तो एक चक्कर कितने मिनट में,
1/40 मिनट में। अब ये देखो, तीन पहिए हैं, चक्कर लगाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है तीन पहियों को। एक पहिया है, दूसरा है और तीसरा है। ये तीसरा है मान लो। ये कितने मिनट में लगा रहा है? 1/20 मिनट में। एक ये एक चक्कर 1/30 में, ये एक चक्कर 1/40 में। तो तीनों फिर से कब एक साथ उसी स्थान में आ जाएंगे? मतलब तीनों का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तीनों का एलसीएम निकालेंगे। जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम ऑफ 1/20, 1/30, 1/40 क्या निकलेगा? ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ, ऊपर का एलसीएम, न्यूमरेटर का एलसीएम और एचसीएफ किसका? 20, 30 और 40 का। एलसीएम एक 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 का क्या आएगा? एक। एचसीएफ 20, 30 और 40 का क्या आएगा? 10। 1/10 मिनट आपका आंसर है, क्योंकि एलसीएम कितना आया? इनका एलसीएम 1/10 मिनट, लेकिन ऑप्शन किस में दिया गया है? सेकंड में। तो 1/10 मिनट को कन्वर्ट करेंगे, 1/10 मिनट है। मिनट को क्या करते हैं? 60 सेकंड लिखते हैं। जीरो से जीरो कट गया, आंसर कितना आया? 6 सेकंड आपका राइट आंसर है। तो जब भी चक्कर देता है ना, हमको निकालना होता है एक चक्कर कितने में, 20 चक्कर, 30 चक्कर, 40 चक्कर, ये सब का नहीं निकाल, ये सब कांस्टेंट था टाइम। देखो चक्कर अलग अलग थे, हमने निकाल लिया एक चक्कर कितने टाइम में कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। हाँ, अंक गणितीय माध्य क्या होता है? अंक गणितीय माध्य कुछ भी नहीं, डरा रहा है वो कहना चाह रहा है निकालो एवरेज, एवरेज निकालो। कैसे निकालेंगे? देखो कितनी संख्या है, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या। तो डिवाइड किससे किया जाएगा? हम सभी जानते हैं जितनी संख्याएं होती हैं, जितने नंबर होते हैं, नंबर कितने हैं? तीन है, तो तीन से डिवाइड। किसको? 3/30 और 3/60, 3/90, 3^30, 3^60, 3^90, इनका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ता है? सम या फिर योग। अब देखो जब भी एवरेज निकालोगे, अब ये सॉल्व करोगे, नीचे क्या दिखता है? तीन। तो यहाँ से तीन कॉमन ले लो, तीन कॉमन ले लिया, एक बार तीन निकाल लिया ना, 30 बार 3 है, यहाँ पे 30 बार 3 है, एक बार निकाल लिया कितना बचा? 3^29। 60 बार 3 है, 3/60, 3^60 मतलब 3 × 3 × 3 × 3 कितने टाइम्स? 60 टाइम्स। एक बार निकाल लिया, वन टाइम कॉमन ले लिया, तो कितना बचा? 3^59 प्लस 3^90, 90 टाइम्स 3 है, एक बार निकाल लिया तो कितने टाइम्स बचा? 89 टाइम्स अपॉन 3। बताओ ये 3 से 3 कैंसिल नहीं हो गया, तो क्या आंसर आया? 3^29 प्लस 3^59 प्लस 3^89 इसका राइट आंसर है भाई। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो, एक आदमी प्रथम 4 माह में औसतन 1800 रुपये का मासिक खर्च करता है। फिर औसत की बात है, तो औसत देखो हमने बताया है बड़े प्यार से ऐसे निकाला जाता है, नंबर, एवरेज और सम लिख के, नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल टू सम, ये किया करो बस। नंबर क्या है? कितने माह में? 4 माह में, 4 माह में एवरेज कितना है? 1800।
18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, क्योंकि इन दोनों का गुणा करने पे योग आता है, इन दोनों का गुणा किया योग आ गया। चलो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगले 8 महीने, शुरू के 4 महीने इतना एवरेज था, अगले 8 महीने का एवरेज बढ़ के 2000 हो गया, तो कितना कमा लिया, कितना आया, 8 दूनी 16000, 16000 आ गया भाई, बहुत बढ़िया। ये खर्च है, ये क्या है, खर्च। तो टोटल खर्च कितना आया सर, 200 और 6 दूनी 12 13, हासिल आई 23200, टोटल खर्च आ गया, खर्च इतना आ गया, ये क्या है, खर्च। ये बताओ वर्ष में लास्ट में कितना रुपए बचत कर ले रहा है, 5600 बचत कर लिया, तो टोटल आय कितनी आ गई, इनकम, इनकम सेविंग इतनी है, कितनी है 5600, तो टोटल इनकम कितनी हो गई, 628 538 2, टोटल इनकम इतनी है, टोटल इनकम इतनी है। तो वो पूछता है औसतन मासिक आय, मासिक आय एक साल में कितना महीना, 12 महीना, आय कितनी है, 28800 रुपये, 12 दुना 24, 12 चौक 48, कितने रुपये मासिक आय है, 2400 रुपये आए हैं मासिक, यही आपका राइट आंसर है। क्या करना था, टोटल खर्च जितना है उसमें बचत जोड़ दिया तो क्या आ गया, आय आ गई, पूरे साल की आय, उसको महीने में डिवाइड करना है ना, तो 12 से डिवाइड कर लिया, तो आंसर कितना आ गया आपका, 28800 आए हैं, डिवाइड किया तो 2400 आपका मासिक आय आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखो, 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम की औसत आयु उतनी है जितनी 3 वर्ष पहले थी, क्योंकि जिन 3 खिलाड़ियों की वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष है, मतलब जो 3 खिलाड़ी अभी 33 साल के हैं ना, औसतन, औसतन उनका योग नहीं, इंडिविजुअल 33 नहीं, औसत आयु 33 वर्ष है, उनके स्थान पर 3 युवाओं को शामिल कर लिया गया है, नए खिलाड़ियों की औसत आयु। देखो नंबर एवरेज का क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किया करो, एवरेज सम, नंबर कितना है 11 खिलाड़ियों का औसत आयु उतनी है, कितनी है नहीं पता तो एक्स ले लिया, तो सम कितना आया 11x, इतना योग आ गया, क्यों, इन दोनों का योग करते हैं तो सम आता है। अब 11 खिलाड़ियों की औसत आयु उतनी 6, कितनी है x ही है, जिन 3 खिलाड़ियों की वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष है उनके स्थान पर युवाओं को शामिल कर लिया गया है, ये 3 साल पहले की आयु है, लेकिन 3 साल बाद क्या हुआ होगा, सबकी एवरेज, यदि कोई नए नहीं आते, मान लो वही लोग हैं, यही लोग, पुराने लोग ही हैं, नए नहीं आए, तो आयु क्या होती भाई, एवरेज में 3 बढ़ जाता, सबकी आयु 3 बढ़ जाती तो एवरेज भी 3 बढ़ जाता, तो योग कितना आया होता, 11x प्लस 3 इंटू 33, पुराने लोग रहते तो इतना योग आता, इतना योग इतना आता, लेकिन अभी भी योग कितना है 11x ही है, क्यों इतना है, क्योंकि 3 लोग जो हैं ना 33 साल के औसत आयु, 33 साल के जो 3 लोग हैं, 3 लोग 33 साल के, तो कितने साल के टोटल हो गए होंगे, 99 साल के हो गए होंगे, वो निकल गए, वो चले गए, तो देखो 11x, ये तो पुरानी औसत है, पुरानी का सम है, पुराने का सम, ठीक है, इतना ही होना चाहिए, ये चले गए 33 चले गए,
निन्यानवे में से 33 घटा दिया, 33 घटा दिया, आया कितना 66। ये किसका है? जो नए खिलाड़ी आए हैं, नए खिलाड़ी आए हैं कितना लाए हैं, कितना है उनका योग? 66। 3 से डिवाइड कर दो, कितना आंसर आ गया? 22 आपका आंसर आ गया। चलो, उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। नहीं आई तो दूसरे तरीके से देखते हैं। ऐसा समझो, ऐसा समझो, इसको ऐसा समझो, देखो, यदि हम कहते हैं 8 खिलाड़ी, 8 और 1, 2, 3 इनकी आयु का योग अभी कितना है? वर्तमान आयु कितनी है? 33 साल। कितनी है? 33 साल। तो 3 साल पहले कितनी रही होगी औसत आयु? 30 साल। 30 साल रही होगी तो मतलब 90 साल का योग रहा होगा 3 साल पहले। 3 साल पहले इन लोग 90 साल के थे। कितने साल के थे? 90। तो 8 व्यक्तियों का आयु का योग प्लस 90 इज इक्वल टू 11x मानते हैं। चलो ठीक है। अब ये 8 व्यक्ति बड़े हो गए। कितने साल बड़े हो गए? 3-3 साल। ये भी 3 साल बड़े हो गए तो इनकी आयु 3 साल, एक में 3 साल, दूसरा भी 3, तीसरा भी 3, तो कितना हो गया? 99 का। ये 8 व्यक्ति भी बड़े हो गए तो सब में 3-3-3-3 जुड़ गया। 3-3 जुड़ गया तो औसत आयु क्या कितना हो गया? औसत आयु भी 3 साल बढ़ गई। 3 साल बढ़ गई, पहले एक्स थी, अब एक्स प्लस 3 हो गई। एक्स प्लस 3 हो गई मतलब कितनी हो गई? 11x प्लस 11 = 33। अब देखो, ध्यान देना सर, इसमें से यदि हमने घटा दिया ना, इसमें से ये घटा दिया तो 11x तो अभी भी आयु का योग है। 11x उस समय भी था। क्यों? क्योंकि औसत सेम है तो योग जितना है उतना योग अभी भी है। ये 33 एक्स्ट्रा है ना, और ये 33 99 में से चला गया, 99 में से चला गया तो बचा कितना? 66। ये किसका आयु है? वो 3 लोगों का जो आए हैं, आए हैं उनको 3 से डिवाइड कर दिया, 66/3 कितना आ गया? 22। चलो, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। एक कमरा है, ये ऐसा है कमरा। अब देख लेते हैं, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर मतलब 1517 सेंटीमीटर, और क्या है? 9 मीटर 2 सेंटीमीटर मतलब 902 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, एरिया कितना आ गया? टोटल एरिया तो सर 1517 × 902, ये आ गया एरिया। अब आपको कहता है कि इस कमरे के फर्श पे बराबर आकार की वर्गाकार टाइलें कम से कम कितनी लगेंगी? कम से कम कितनी टाइल लगेंगी? वर्गाकार तो हम कहते हैं भाई वर्गाकार, ऐसा बड़ा बड़ा लगा दो बस, वर्गाकार लग जाएगा। लेकिन वर्गाकार होना चाहिए, वर्गाकार होना चाहिए मतलब ये एक टाइल्स, ये एक टाइल्स, ये एक, सब का साइज बराबर होना चाहिए। ऐसी टाइल्स नहीं होनी चाहिए, वर्ग आकार की होनी चाहिए। तो आप कहेंगे सर वर्गाकार की तो छोटी छोटी टाइल्स, छोटी 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 टाइल्स। नहीं, छोटी टाइल्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? बहुत सारी टाइल्स लगानी पड़ जाएंगी, बहुत सारी टाइल्स, बहुत सारी, बहुत सारी, छोटी 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 छोटी, एकदम छोटी, सब बराबर होनी चाहिए, सब बराबर होनी चाहिए। छोटी छोटी लगाएंगे तो बहुत सारी टाइल्स हो जाएंगी। और वो कहता है टाइल्स की संख्या क्या होनी चाहिए? टाइल्स की संख्या क
कम से कम टाइल्स लगनी चाहिए, और ये कम से कम आप देखते हो तो डायरेक्ट एलसीएम निकाल लेते हो, क्योंकि छोटा से छोटा कम से कम मतलब एलसीएम होता है। नहीं भाई, टाइल्स कम से कम होंगी मतलब उनका साइज बड़ा से बड़ा होगा। देखो कैसी टाइल्स होंगी, एक दो ये तीन, ऐसी बड़ा से बड़ा साइज होगा, क्योंकि टाइल्स की संख्या कम है। यदि ज्यादा टाइल्स होती तो एकदम छोटी छोटी टाइल्स आती हैं, ऐसे छोटी छोटी टाइल्स आती हैं एकदम छोटी छोटी, और वो क्या हो जाती, बहुत सारी टाइल्स। अरे छोटा छोटा टाइल्स लगा लोगे, मान लो इस रूम में हम लगाते हैं एकदम छोटी छोटी टाइल्स, तो बहुत सारी टाइल्स नहीं हो जाएंगे। लेकिन टाइल्स की संख्या कम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, बहुत बड़ी टाइल्स लगानी पड़ेगी, बहुत बड़ी बड़ी वर्गाकार टाइल्स लगानी है। मतलब इनका हमको क्या निकालना है, इनका हमको एचसीएफ निकालेंगे ना, तो एक टाइल्स का आपको डायमेंशन मिलेगा। तो 1517 सेंटीमीटर और 902 सेंटीमीटर का क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालेंगे कितना आएगा, किससे कटता है भाई ये, सर इसको देखते हैं, दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो भाग की लंबी विधि हमने बताया है लास्ट क्लास में, उसको देखिए। 1517 नौ से नौ एकम नौ, 902 कितना आ गया, पाँच एक, पाँच और एक छः, 615 से कटाया 902 को, एक 615 कितना आ गया, 7 5 12 89, 9 में 1 गया 8, 8 में 2 287, 615 कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 7 दुनी 14, 8 दुनी 16 और 1 17 हासिल आई, 1 और 2 दुना 4 और 1 5 कितना आया, 26, 6 5 11 हासिल आई, 1 2 और 1 3 और 1 4 41, 287 कितनी बार जाएगा, 41 एकम, 7 एकम 7, 7 चौक 28, ये चला गया, देखो 000। तो एलसीएम कितना आया, 41 आ गया। 15 और 17 का एचसीएफ कितना आया भाई, 41 आ गया। चलो अब देखो ध्यान से, इनका एचसीएफ आ रहा है 41। अब ध्यान से देखना, सर 41 एचसीएफ आ रहा है, मतलब वर्ग जो टाइल्स है ना, ये टाइल्स अंदर जो लगने वाली है, ये जो टाइल्स लगने वाली है इसका साइड कितना आया, 41, और ये भी कितना आ गया, 41। तो ये बताओ इस घर का टोटल एरिया कितना है, 1517 × 902, और टाइल्स का एरिया कितना है, 41 × 41, डिवाइड कर लिया, नंबर निकल गया कितनी टाइल्स लगेंगी। देखो कितनी बार जाएगा, 4 3 12, 3 1 3, 4 3 12, और कितना आ गया, सर ये आ गया 27 और 1 28, कितनी बार जाएगा, 41 सत्ते, अच्छा ये कितना आ जाएगा भाई, ये 41 से कट गया, 41 × 82 8, 41 × 82 37 × 74, 74 और 11 का गुणा किया, 7 4 11 हासिल आई, 1 814, 37 और 22 का गुणा किया कितना आ गया, 814। ये आपका आंसर है। कंसेप्ट क्या है सुनो, कम से कम कितनी टाइल्स लगेंगी, कम से कम टाइल्स लगेंगी मतलब टाइल्स की एरिया क्या होगा, बड़ा से बड़ा टाइल्स क्या होगी, बड़ी से बड़ी टाइल्स होगी, बड़ी से बड़ी होगी तो क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ कैसे निकालना है, हमने भाग की लंबी विधि बताई है आपको। चलिए उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्याएं इस प्रकार हैं कि दूसरी संख्या पहली संख्या से दोगुनी है,
तीन संख्या, एक दो तीन। तीन संख्या इस प्रकार है कि दूसरी संख्या पहली से दोगुनी और तीसरी से तिगुनी है। कौन दूसरी संख्या है ये कैसे पता चला सर? देखो यहां पे क्या है, और किसके लिए यूज होता है हमेशा याद रखेंगे हिंदी मीडियम वाले, और तथा, ये दोनों वर्ड जो है ना यूज होते हैं फर्स्ट पर्सन के लिए। किसके लिए? फर्स्ट पर्सन, इंग्लिश में एंड, हिंदी में। और दूसरा है जो, जिसका, जिसे, ये सब यूज होता है सेकंड पर्सन के लिए। इंग्लिश में हु, हूज, हूम, ये सब कहें, ये किसके लिए यूज होता है? सेकंड पर्सन के लिए। तो ये देखो क्या बोला है, और बोला है ना, और किसके लिए यूज होगा? फर्स्ट पर्सन। तो तीन संख्या इस प्रकार है कि दूसरी संख्या पहली, कौन पहले आया, पहले कौन आया, और यूज होता है फर्स्ट पर्सन के लिए, पहले कौन आया? दूसरा, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या पहले आई तो ये यूज हुआ है दूसरी संख्या के लिए। मतलब दूसरी संख्या से दुगनी और दूसरी संख्या से ही तिगुनी है। तो ये क्या है, दूसरी संख्या पहली से दुगनी और दूसरी संख्या ही तीसरी से तिगुनी है, दूसरी संख्या तीसरी से तीन गुनी है। तो एलसीएम के ये रेशियो कितना आ गया, तीन, तीन दुना छः, दो एकम दो। क्या बोला है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 हो, तीनों संख्याओं का औसत कितना है, 6 3 9 2 11 11 बटे 2, ये औसत आया। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 44। तो 11 चौक 44, 4 दुना 8। तो ये बताओ, बड़ी संख्या निकालनी है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो बड़ी संख्या की वैल्यू, बड़ी संख्या है कितनी, 6। तो 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48। 11 चौक 44, एक यूनिट की वैल्यू 4 दुना 8 आ गई। ठीक बात है। अब देखो, एक यूनिट की वैल्यू 8, या फिर ऐसा कह सकते हैं x से निकालो, ये कितना x, 3x 6x और 2x, इनका औसत कितना हो गया, 6 3 9 2 11 बटे 3, कितना है, 44। तीनों संख्या का औसत इतना है। तो 6 3 9 2 11 बटे 3, 44, 11 चौक 44, 3 है ना, 2 नहीं है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 3 12, यहाँ 2 लिख दिया था ना हमने, इसलिए आंसर गलत आ रहा था, 4 3 12। x की वैल्यू 12, तो सबसे बड़ी संख्या है 6x, 12 5 60 12 6 72 आपका आंसर है। चलिए भाई नेक्स्ट। एक लड़का अपने घर से पार्क 500 मीटर दूर 5 मिनट में जाता है। ये घर है, यहाँ से पार्क जाना है 500 मीटर है, कितने मिनट में जाता है, 5 मिनट में, और 7 मिनट में वापस आ जाता है। तो उनकी औसत चाल, देखो दूरी तो बराबर है ना, डी कांस्टेंट है ना, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। जब दूरी, आने जाने की दूरी बराबर हो, तो फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, 2xy/x+y, जहां x जाने का स्पीड, y आने का स्पीड। स्पीड कितना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, नहीं होता, डिस्टेंस है 500 मीटर अपॉन टाइम कितना है, 5 मिनट, मिनट को सेकंड में बना लो तो 60 सेकंड। अब ये सेकंड को
किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है ना, तो किलोमीटर प्रति घंटे में करो 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा किया तो कितना आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 6 पंचे कितना, 6 दुनी 12 6 3 18 5 से 5 कैंसिल, अच्छा 5 दहम आएगा ना, 5 से 5 दहम, 5 दुना 10 3 दुना 6 तो जाने की स्पीड कितनी आ गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आने की स्पीड कितनी आ जाएगी, 500/7 क्योंकि 7 मिनट में वापस आ रहा है, इंटू 60 × 18/5 फिर ये तो 100 ही हो गया, ठीक बात है, बहुत बढ़िया। 6 दुनी 12 6 3 18 10 3 30/7 30/7 अब देखो इतना जाने का आने का इतना, तो एक्स वाई की वैल्यू रख देते हैं, 2 × 6 × 30/7 प्लस 6 + 30/7 6 × 36 6 × 7 42 42 और 30 72 2 × 6 × 30/7 अपॉन 72/7 7 ऊपर ऊपर नीचे नीचे कैंसिल, कितना आ गया, 12 6 × 12 65 12 × 6 72 6 × 5 30 आंसर कितना आया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमको ना क्या निकालना था, एक्चुअल में स्पीड निकालनी थी, स्पीड जाने की निकाल ली आने की निकाल ली, क्योंकि मीटर पर मिनट में है उसको किलोमीटर प्रति घंटा में कर लिया 18/5 करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो ट्रायंगल का क्वेश्चन आ गया, क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 74 है तो अन्य दो आंतरिक कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण ज्ञात करें। If one of the angles of triangle is 74 degree, then find the angle between interior angle bisector of other two angles. देखो ये एक ट्रायंगल है, एक कंसेप्ट हम लिखवाएंगे बड़े प्यार से समझना, इसके एंगल बाइसेक्टर ये हैं, इसके एंगल बाइसेक्टर ये हैं, ये मिलते हैं आई पे, कहाँ पे, आई पे। अब देखो ये ए है मान लो, ये बी है मान लो, ये सी है, एंगल बाइसेक्टर है ना कोण समद्विभाजक, तो ये भी अल्फा और ये भी अल्फा और ये बीटा, तो ये भी बीटा, ये वाला कोण कितना होगा ये याद रखना है, बी आई सी ये कितना होगा, तो जिनके कोण समद्विभाजक खींचे हैं ना, किसके, बी के कोण समद्विभाजक और सी के कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर जहां मिल रहे हैं इन दोनों के कोण समद्विभाजक खींचा है ना, सिंपल सी बात है, तो तीसरा कोण त्रिभुज का ये है, बस ये याद रखो, तो एंगल बी आई सी क्या हो जाएगा, ये कोण 90 डिग्री प्लस इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर है, तो तीसरा कोण मतलब ए का आधा, बस ये कंसेप्ट हमेशा याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो यही पूछ रहा है, त्रिभुज का एक कोण 74 डिग्री है मान लो, 74 डिग्री है, अन्य दोनों कोणों के आंतरिक समद्विभाजकों के बीच कोण ज्ञात करें, कितनी डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब बी आई सी यही ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 74 का आधा 37 डिग्री, कितना आएगा,
127 इसका राइट आंसर है, सिर्फ इतना करना था। ये चित्र भी नहीं बनाना भाई, चित्र बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं, ये हमने अभी आपको समझाने के लिए बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो इसी से ये अंतःकोण समद्विभाजक मिल रहे हैं ना। अब अगला क्वेश्चन जो हमने दिया है वो इसी से रिलेटेड है। यदि बाह्य कोण समद्विभाजक मिले तो क्या होगा, बाह्य कोण समद्विभाजक क्या होता है? देखो ये ना ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल था कौन सा, ए बी सी, ये ए ये बी ये सी, लेकिन हमने ए बी को ऐसे बढ़ा दिया, हमने क्या किया ए बी को बढ़ा दिया, ये ए बी को बढ़ा दिया यहाँ तक, ठीक है, ये ए सी को भी बढ़ा दिया, ये ए सी लाइन थी ना, इसको भी बढ़ा दिया। अब देखो क्या हो गया, ए बी को ऐसे बढ़ाया ना, तो ये बी बाह्य कोण बन रहा है, बाह्य कोण, इसका समद्विभाजक ये, और ये सी का बाह्य कोण, ये सी है इसका बाह्य कोण, ये बाह्य कोण का समद्विभाजक। अब अंतःकोण का समद्विभाजक नहीं खींच रहे, किसका खींच रहे हैं, बाह्य कोण का खींच रहे हैं। इसका रिलेशन क्या होता है भाई, ये बी ओ सी मान लो, ये ए है ना, ये क्या हो जाता है एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए बाय टू, याद रखेंगे अंदर बनता है तो जोड़ना है ए बाय टू को, बाहर वाला है तो क्या करना है इसको घटा देना है, क्या करना है घटा देना है। तो चलिए ट्रायंगल एबीसी में, एबीसी में ए 66 डिग्री है, बहुत बढ़िया, ए बी और एसी को क्रमशः बिंदुओं डी और ई तक बढ़ाया जाता है, ए बी को डी तक एसी को ई तक बढ़ाया जाता है। यदि सी बी डी और बी सी ई के समद्विभाजक, सी बी ई का समद्विभाजक, बी सी ई का समद्विभाजक ओ पर मिल रहे हैं तो बी ओ सी का मान ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, 90 डिग्री माइनस ए बाय टू, इन दोनों रिजल्ट को एकदम याद रखना है, कितना आएगा जी 90 डिग्री में ए बाय टू मतलब 33 माइनस कर दिया सर, कितना आ जाएगा, ये 30 माइनस कर दिया ना, तो 57 डिग्री आपका क्या है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दोनों रिजल्ट को बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा गया है। ये देखिए इसके लिए भी आपको एक रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, बड़े प्यार से सुनना। देखो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, मान लो ये त्रिभुज को हमने ऐसे बढ़ा दिया, ये भुजा को, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका कोण समद्विभाजक खींच रहे हैं, इसका कोण समद्विभाजक, और हमने खींच दिया इस एंगल को छोड़ के, इस एंगल और इस एंगल को पकड़ते हैं, एक एंगल का अंतःकोण समद्विभाजक और दूसरे का अंतः नहीं खींच रहे, इसका बाह्य,
बाह्य कोण समद्विभाजक ऐसा जिस बिंदु पर मिलते हैं, ये अल्फा है तो ये अल्फा, ये बीटा है तो ये भी बीटा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, मान लो ये थीटा है, कितना है थीटा। तो याद रखो कोई एंगल थीटा है त्रिभुज में, बाकी दोनों कोणों के एक का अंतःकोण समद्विभाजक, दूसरे कोण का बाह्य कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उस पर बनने वाला कोण ना इस तीसरे कोण का थीटा का आधा होता है। बस ये बात समझनी है। तो चलो देखो, दिए गए चित्र में AF BAC का आंतरिक कोण समद्विभाजक, जबकि भुजा CD BCA का बाह्य कोण, BCA इसका बाह्य कोण ये हो जाएगा, इसका बाह्य कोण समद्विभाजक है। तो थीटा का मान इसका मान क्या है ये कहता है। देखो हम जब भी ऐसा देखते हैं हमको जो पता है वही करते हैं, हमको ये पता है ये दोनों मिलते हैं लेकिन यहाँ मिल नहीं रहे ना, तो मिला लेते हैं ऐसे, सर ऐसे मिला लेते हैं, अंतःकोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक को ऐसे मिल जाएंगे, ठीक बात है, बहुत बढ़िया। अब क्योंकि मिला रहे ना तो इसको हम क्या कर लेते हैं, डॉटेड लाइन में बना लेते हैं ना, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में दिया नहीं गया था, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन किया है। क्यों मिला रहे हैं आपको समझ में आ रही होगी बात, क्यों मिला रहे हैं भाई? सर मिला इसलिए रहे हैं क्योंकि हमको ये वाला रूल पता है। अब देखो, अब हमको बताओ ये थीटा है तो ये कितना हो जाता है, थीटा बाय टू नहीं हो जाता, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखो ये जो दिख रहा है आपको, ये थीटा है, ये थीटा बाय टू है, इन दोनों का योग ये बाह्य कोण नहीं हो जाएगा, 60 डिग्री तो क्या हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा बाय टू इज इक्वल टू 60 डिग्री। दो थीटा, दो एकम दो थीटा और तीन थीटा बाय टू इज इक्वल टू 60, तीन दुना थीटा इज इक्वल टू 20 दुना 40 डिग्री। आंसर कितना आया, थीटा का मान 40 डिग्री, इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, ये कंसेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लें। हम एक बार स्पेशल ट्रायंगल की वीडियो लेके आएंगे, वहाँ पे तो ये डिस्कस करेंगे ही करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्या है, ए बी सी में ए बराबर 66, बी डी परपेंडिकुलर है ए सी के। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्या कहता है। त्रिभुज का सारा टाइप हमने यहां पे जो भी है वो डाल दिया है, ए बी सी, ये ए बी सी, ठीक है भाई। अब देखो क्या कहता है, एंगल ए बराबर 66, ये 66 है, बी डी ये ए है, ए बी सी एंगल ए ये है 66 डिग्री, ठीक बात है सर, बहुत बढ़िया। अब क्या कहता है, बी डी परपेंडिकुलर है ए सी पर, AC, B और D
ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री है। बी डी, ये डी है, परपेंडिकुलर है बी सी पर। और सी ई, सी से एक लाइन जा रही है वो ये, परपेंडिकुलर है ए बी पर। ठीक बात है, बहुत बढ़िया, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बनाए तो 90 डिग्री बनना चाहिए, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री लग नहीं रहा, थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं। चलो ठीक है भाई, अब देखो बी डी और सी ई परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर होने के कारण ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अब क्या कहता है, बी डी और ई सी, बी डी और ई सी पी पर प्रतिच्छेदित करते हैं, ये पॉइंट पी है, ये पी है, पी बी सी, पी बी सी और पी सी बी के समद्विभाजक, अरे इसके समद्विभाजक भाई, इसके और इसके समद्विभाजक, समद्विभाजक खींचेंगे ना, तो चलो खींचते हैं, इसके समद्विभाजक मतलब ऐसा और इसके समद्विभाजक मतलब ऐसा। ये कहां पे मिल रहे हैं, क्यू पर मिलते हैं, ये मानते हैं क्या, कौन सा पॉइंट है, क्यू, ध्यान से देखो। तो बोलता है बी क्यू सी का मान कितना है, बी क्यू सी का मान कितना है। अब देखो सर, ये क्वेश्चन बना लिया ना तो मजा आ जाएगा। देखो ध्यान से, कंसेप्ट आपने सब कर लिया है, हमको ये समझ में आया, ए ई पी डी। सर ये वाला अगर ना, ये समद्विभाजक इसका पूरा बी का होता, पूरा बी का होता, पूरा बी का समद्विभाजक होता तो इसका आधा करके 90 में जोड़ देते, लेकिन ऐसा तो है नहीं। हमको ये वाला, इसका ये जो समद्विभाजक है ब्लू वाला ना, वो इसका है, इसका, इसका, तो ये पी वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी तो इसका आधा कर देंगे और 90 में जोड़ देंगे। देखो ये वाला ट्रायंगल पी बी सी, पी बी सी, ये समद्विभाजक जो है एंगल बाइसेक्टर, वो पी बी सी का है, ये पी बी सी का समद्विभाजक है और ये पी सी बी का समद्विभाजक है, तो ये वैल्यू क्या होगी, ये वाले कोण की आधी प्लस 90 डिग्री। ये कोण कैसे निकालेंगे, एंगल कैसे निकालेंगे, इस चतुर्भुज में देखो ए ई पी डी टोटल कितना डिग्री हो जाता है, 360, चतुर्भुज के अंदर 360 डिग्री। ये कितने कितने डिग्री हैं, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री नहीं है, ये देखो परपेंडिकुलर होने के कारण, तो 90 90 180 डिग्री, ये भी 180 होना चाहिए इनका योग, तभी तो जाके 360 होगा। सर 180 बनाने के लिए ये होना चाहिए 114। अब देख लो टोटल कितना, 90 प्लस 66 प्लस 114 कितना आ गया सर, 114 में 6 120 और 60 180, 9 9 18 180। क्या बात है, ये चतुर्भुज का पूरा निकल गया एंगल। ये एंगल जो है ये 114 है और उसी के वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है, तो ये भी 114 डिग्री नहीं हो जाएगा। आप भी बताओ सर, जब ये 114 हो जाएगा तो ये कितना आएगा, ये एंगल 90 डिग्री प्लस 114 डिग्री बाय 2, तो सर 90 डिग्री
प्लस 57 डिग्री कितना आ गया 147 डिग्री इसका राइट आंसर है भाई। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यदि एक समबाहु त्रिभुज का अंतःकेंद्र त्रिभुज के अंदर है और इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है? देखो अंतःकेंद्र की त्रिज्या, अंतःकेंद्र की त्रिज्या मतलब स्मॉल r का फॉर्मूला होता है डेल बाय s, याद रखेंगे कितना होता है डेल बाय s। डेल डेल मतलब एरिया, समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना आ जाता है एरिया रूट 3a² / 4। s क्या है सेमी पेरीमीटर, समबाहु त्रिभुज है ना तो ये भी a ये भी a ये भी a, तीनों साइड a है समबाहु सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप मतलब तीनों को जोड़ो 3a/2। s की वैल्यू कितनी आ गई 3a/2 कितना आ गया ये दिया कितना गया है 3 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 3 √3/4a² × 2 / a पलट जाएगा ना 3a, a से a कैंसल 2 × 4 = 3 सेंटीमीटर। कितना आया a की वैल्यू कितनी आ गई 3 × 6 = 6 × 12 = 18 सेंटीमीटर / √3 √3। अब देखो a की वैल्यू निकालनी है, समबाहु त्रिभुज की भुजा a 18/√3 तो दिया नहीं गया तो हम क्या कर लेते हैं 18/√3 है ना तो दोनों तरफ √3 √3 गुणा कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा भाई 18√3 √3 √3 का गुणा करेंगे कितना आएगा 3 × 3 = 15 × 3 = 18 6√3 इसका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 19। अंतःकेंद्र पर आधारित है, एक अंतःकेंद्र की त्रिज्या इतनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ एक समकोण त्रिभुज की भुजाइयों की लंबाई क्रमशः समपूर्णांक है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ये होता है, हम इनका ट्रिपलेट जानते हैं क्या क्या है सर, ट्रिपलेट होता है 3 4 5 5 12 13 ये सब ट्रिपलेट होते हैं। लेकिन पूछ बोलता है त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमागत संपूर्णांक है, क्रमागत संपूर्णांक, क्रमागत संपूर्णांक वही आ सकते हैं जब इसमें 2 का गुणा किया जाए 3 × 6 4 × 8 5 × 10 यही पॉसिबल है क्योंकि ये सब तो क्रमागत संख्या भी नहीं है तो इनका संपूर्णांक आने का है ही नहीं चांस। यही है जिसमें एक एक का डिफरेंस है तो संपूर्णांक क्या आएगा 1 6 आ जाएगा 1 8 आएगा और 1 10 आ जाएगा और ये त्रिभुज की भुजाएं हो जाएंगी। तो इन पूर्णांकों का गुणनफल क्या है, गुणनफल कितना आया 8 × 48 = 480 इसका राइट आंसर है भाई। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में अपन मिलेंगे और बाकी क्वेश्चंस को और डेली रूटीन पे अपन ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।